नमस्कार, क्लाइमेट वेदर रिपोर्ट के साथ मैं हूं फौजिया। इस समय देश के दक्षिणी राज्यों में वर्षा का मौसम बना हुआ है। कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी है। चेन्नई में 6 घंटों के दौरान 27 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई। जम्मू कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिली। देश के बाकी राज्यों में कोई खास बदलाव नहीं आया और मौसम गर्म और शुष्क रहा। 18 अक्टूबर के मौसम की बात करें तो कल कश्मीर और हिमाचल के कुछ स्थानों में बारिश की उम्मीद है। कुछ ब्रेक के बाद एक बार फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान और वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी हल्की फुहारें गिर सकती हैं, परंतु इससे प्रदूषण में कोई सुधार आने की उम्मीद नहीं है। मैदानी इलाकों में क्लाउडी स्काई के कारण अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ेगा। दक्षिण में कोस्टल सहित साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में अच्छी बारिश कल भी जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और तेलंगाना में भी वर्षा की उम्मीद है। मध्य भारत में गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गर्म और शुष्क मौसम रहेगा, जबकि दक्षिण कोंकण, गोवा और इससे सटे मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों में बारिश की संभावना है। सेंट्रल पार्ट्स में दिन का तापमान 36 से 38 के बीच रहेगा। देश के पूर्वी हिस्से में ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड, गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रहेगा। क्लाइमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।